बदसलूकी के मामले में कार्रवाई, हॉस्पिटल संचालक डॉक्टर निसार अहमद यासिर पर केस दर्ज। बदसलूकी के मामले में 6 लोग गिरफ्तार किए गए। ऑपरेशन के दौरान मृगा की मौत पर हंगामा हुआ था। अनियमितता मिलने पर 19 जून को सीएमओ ने हॉस्पिटल को सील किया था। सीलिंग के बाद भी डॉक्टर निसार अहमद हॉस्पिटल चला रहा था, जिसके बाद न्यूज स्ट्रीट की खबर का बड़ा असर हुआ है। हॉस्पिटल में एसडीएम से बदसलूकी के मामले में कार्रवाई हुई है। हॉस्पिटल संचालक डॉक्टर निसार अहमद यासिर पर केस दर्ज किया गया है और बदसलूकी के मामले में 6 लोग गिरफ्तार भी किए गए हैं। तो ऑपरेशन के बाद एक महिला की मौत पर काफी हंगामा हुआ था, जिसके बाद अनियमितता मिलने पर 19 जून को सीमो ने हॉस्पिटल को सील कर दिया था। लेकिन सीलिंग की कार्रवाई के बाद भी डॉक्टर निसार अहमद लगातार हॉस्पिटल का संचालन करता रहा। अब सीएमओ की तरफ से बड़ी कार्रवाई करते हुए डॉक्टर निसार अहमद पर केस दर्ज किया गया है। 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। तो न्यूज स्ट्रीट की खबर का बड़ा असर हुआ है। महोदय अपने होमगार्ड के हमराही के साथ चेक करने गए और वहां पे फोटो और वीडियो बना रहे थे। इसी दौरान अरमान हॉस्पिटल के तथाकथित डॉक्टर और एक उनके हम साथी एसडीएम महोदय और गार्ड के साथ में बिहेव करते हुए मोबाइल छीन लिए, जिसके संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 120/24 धारा 392 332 506 आईपीसी पंजीकृत किया गया है और इससे संबंधित 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। अन्य उससे रिलेटेड 4 अन्य की भी गिरफ्तारी की जा चुकी है और सबके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। झांसी में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। ऑपरेशन के दौरान महिला